एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ आइडियल पब्लिक स्कूल एंड दिस इज मी सृष्टि चौबे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास थर्ड के साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसके पहले के चैप्टर में हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में स्टडी किए थे। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ प्लांट, देखिए प्लांट मतलब पौधे। ठीक है, पौधे के कितने पार्ट्स होते हैं हम लोग उसके बारे में जानेंगे। देखिए मेनली क्या है कि प्लांट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देयर आर मेनली टू पार्ट्स ऑफ प्लांट। फर्स्ट इज रूट एंड सेकेंड इज शूट। ठीक है, रूट एंड शूट आर मेनली टू पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब ये रूट मतलब तो आपको पता है क्या होता है, जड़। और ये जड़ कहाँ होती है प्लांट्स की, अंडर द ग्राउंड, यानी कि जमीन के नीचे, अंडर द ग्राउंड। रूट कहाँ होती है, अंडर द ग्राउंड मतलब जमीन के नीचे वाले हिस्से को, प्लांट के जो जमीन के नीचे वाली हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट। और शूट क्या होता है, जो प्लांट का पार्ट एबव द ग्राउंड होता है यानी कि जमीन के ऊपर, उसे हम क्या बोलेंगे, शूट। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ जमीन है, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है ना, यहाँ पेड़ है जैसे, और ये इसकी नीचे है जड़े। तो ये जो जमीन है इसके नीचे ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, रूट हो गया। ठीक है, और ये जो ऊपर का पार्ट है जमीन के ये क्या हो गया, शूट हो गया। समझ में आया, रूट क्या होता है और शूट क्या होता है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए रूट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ रूट। फर्स्ट इज टैप रूट एंड सेकेंड इज फाइबरस रूट। ठीक है, रूट के कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट है टैप रूट, सेकेंड है फाइबरस रूट। अब ये टैप रूट क्या होता है, टैप रूट मतलब किसी पौधे का जड़ देखा है काफी पतला होता है, किसी पौधे का जड़ देखा काफी पतला होता है और सीधा सीधा बिल्कुल ऐसा जमीन के नीचे जाता है। ठीक है, एकदम पतला रहेगा, सीधा सीधा जाएगा, एकदम सीधे में जाता है, तो ऐसी जड़ों को क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। ठीक है, अब फाइबरस रूट क्या होता है, फाइबरस रूट में कुछ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो ऐसे ऐसे फैली हुई रहती हैं, हर डायरेक्शन में, हर दिशा में ऐसे ऐसे फैली रहेंगी। तो जिसकी रूट हर डायरेक्शन में लगभग फैली होती है उसे हम क्या कहेंगे, फाइबरस रूट। ओके, और ऐसी रूट जो सीधी सीधी बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रही है उन्हें हम क्या कहेंगे, टैप रूट कहेंगे। ठीक है, तो ये था रूट के बारे में और रूट के दो टाइप्स के बारे में। अब रूट का काम क्या होता है, रूट का काम होता है कि ये किसी भी पौधे को अपराइट डायरेक्शन में क्या करता है, बैलेंस किया रहता है। अगर जड़ नहीं रहेगा तो क्या पौधा सीधा सीधा खड़ा हो पाएगा, नहीं खड़ा हो पाएगा। ठीक है, तो पौधे को सीधा सीधा अपराइट डायरेक्शन में बैलेंस करने का काम किसका होता है, रूट का काम होता है। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है, ये मिट्टी से न्यूट्रिशन लेकर के किसको देता है, प्लांट्स को देता है। मिट्टी में तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और उन्हीं न्यूट्रिएंट से न्यूट्रिशन लेकर के ये किसको देता है, पौधों को प्रोवाइड करता है, जो कि एक पौधे को ग्रोथ करने में क्या करते हैं, मदद करती है। तो रूट का दो काम आप लोगों ने जाना, पहला कि पौधे को अपराइट डायरेक्शन में बैलेंस करना और दूसरा क्या जाना, दूसरा ये जाना कि पौधों तक न्यूट्रिशन को पहुंचाना। ठीक है, ये सभी काम रूट का होता है। अब हम बात करेंगे शूट की। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहले बता दिया शूट क्या होता है, जमीन के ऊपर वाले पार्ट, प्लांट के पार्ट को क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं। तो जमीन के ऊपर प्लांट के बहुत सारे शूट में और भी पार्ट्स आ जाएंगे। शूट में क्या क्या आ जाएगा, जमीन के ऊपर प्लांट का क्या क्या रहता है, स्टीम रहता है पहला, सेकेंड लीव्स होता है, थर्ड फ्लावर होता है, फोर्थ फ्रूट होता है और सीड्स होते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें जमीन के ऊपर ही तो होती हैं, क्या पत्तियां जमीन के नीचे उगती हैं, नहीं, ये सभी चीजें जमीन के ऊपर होती हैं, इसलिए ये सब किस में आएगा, शूट सिस्टम में आएगा। ठीक है,
तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्टीम की। स्टीम मतलब क्या होता है? तना होता है। अब ये तना क्या होता है? जैसे कोई भी पौधा है, ये इसी के सहारे तरह तरह के ब्रांचेस निकलेंगे और इससे एक न्यू पत्ती निकलेगी। तो ये जो चीज है ना, ये जो पतला ट्यूब है जिसके सहारे अलग अलग शाखाएं निकलती हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? स्टीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टीम। ठीक है, ये स्टीम होता है। इसका काम क्या होता है? ये क्या करती है? अलग अलग ब्रांचेस इसी के सहारे निकलती है ना, तो ये ब्रांचेस को क्या करती है? सपोर्ट करती है, जिससे तरह तरह की लीव्स भी क्या होती हैं? निकलती हैं। ठीक है, पत्तियां निकलती हैं। अगर स्टीम नहीं होगी तो ब्रांचेस नहीं होंगे, ब्रांचेस नहीं होंगे तो लीव्स भी नहीं निकल पाएंगी। तो स्टीम ही सपोर्ट करती है किसको? ब्रांचेस को। ठीक है, पहले देखिए, कुछ स्टीम्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं तो कुछ स्टीम काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं। जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उनके देखते हैं, उनकी स्टीम काफ़ी मोटी मोटी होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? ट्रंक कहेंगे। देखो, कुछ जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनकी काफ़ी मोटी स्टीम होती है, थिक एंड वुडी स्टीम, जिनकी काफ़ी मोटी स्टीम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंक। ठीक है, और कुछ पौधे होते हैं जिनकी स्टीम्स काफ़ी पतली होती है, जैसे तुलसी का पौधा सबके घर होता होगा। तुलसी के पौधे का जो स्टीम होता है, देखिए वो कितनी पतली होती है, उसको हम आसानी से तोड़ भी सकते हैं। तो वो किस में आएगा? वो वीक स्टीम में आएगा। और ये किस में आएगा? ट्रंक किस में आएगा? ये स्ट्रांग स्टीम में आएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे स्टीम के वर्क की। तो स्टीम का पहला काम है कि वो ब्रांचेस को सपोर्ट करती है। दूसरा काम क्या है कि ये पौधे प्लांट्स की लीफ को, प्लांट के पार्ट को क्या प्रोवाइड करती है? वाटर प्रोवाइड करती है। बिना इसके वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। जैसे रूट है ना, जैसे ये स्टीम है, ये जमीन है, ये रूट है। ठीक है, रूट ने न्यूट्रिशन लिया और किसको भेज दिया? स्टीम को। अब स्टीम के ही सहारे ना पत्तियों में जाएगी। अगर स्टीम नहीं होगा तो क्या पत्तियों तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो स्टीम के ही सहारे वाटर और बाकी न्यूट्रिशन पत्तियों को या फिर प्लांट की अलग अलग पार्ट्स को पहुंचाया जाता है। ये स्टीम का काम हो गया। ठीक है, अब आते हैं लीव्स पर। लीव्स जो होता है, लीफ का तो आपको पता ही है, लीफ इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, इसीलिए इसको ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट बोला जाता है। ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट किसको बोला जाता है? लीव्स को। लीव्स हरी होती हैं, इसलिए इसको ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट बोला जाता है। लीफ का काम क्या होता है? लीफ भोजन बनाती है। पत्तियों में ही क्या बनता है? भोजन बनता है। प्लांट्स का भोजन कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है, पत्तियों में बनता है। ठीक है, और प्लांट द्वारा भोजन बनाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस, मतलब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाई प्लांट्स। ठीक है, पौधों द्वारा भोजन बनाने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? लीव्स में ही होता है। अगर पत्तियां नहीं रहेंगी तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। भोजन बनाने का प्रोसेस किस में होता है? पत्तियों में ही होता है। एक और बात आप जान लीजिए, पत्तियों का कलर ग्रीन क्यों होता है? पत्तियों का कलर ग्रीन क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। बिना क्लोरोफिल के पत्तियां ग्रीन नहीं हो पाती हैं। क्लोरोफिल की मदद से पत्तियां क्या होती हैं? ग्रीन होती हैं। लीव्स का काम तो आप लोगों ने जान लिया, भोजन बनाने का होता है। ठीक है, एक और काम जान लीजिए, पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? पेड़ पौधों को कौन सी गैस की जरूरत होती है? जैसे हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं, पेड़ पौधे कौन सी लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये गैस वो लेते कहाँ से हैं? वो लीव्स के ही सहारे लेते हैं। ये जो पत्तियाँ होती हैं, इसी के सहारे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, यानी बाहर करते हैं। पत्तियों के ही सहारे, याद रखिएगा कि बाय द हेल्प ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तियों के ही सहारे, पत्तियों की ही मदद से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस हम लोगों को देते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये किसका काम हो गया? लीव्स का काम हो गया।
अब बात करते हैं फ्लावर का। फ्लावर मतलब सभी लोग जानते हो क्या होता है, फूल होता है। फूल क्यों हम क्या कह सकते हैं, फ्लावर को हम कह सकते हैं कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या कह सकते हैं, कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, क्यों कलरफुल प्लांट पार्ट, क्योंकि सभी फूल का कलर तो एक नहीं होता, कुछ लाल होते हैं, कुछ येलो होते हैं, कुछ ऑरेंज होते हैं, इसलिए इसको कलरफुल पार्ट मतलब रंग बिरंगा पार्ट किसको बोलते हैं, फ्लावर को बोलते हैं। अब फ्लावर का काम क्या होता है, फ्लावर से क्या प्रोड्यूस होता है, फ्लावर के बीच में क्या होता है, सीड होता है ना, फ्लावर के बीच में क्या होता है, सीड होता है। तो फ्लावर का काम क्या होता है, सीड प्रोड्यूस करना। फ्लावर का काम क्या होता है, सीड प्रोड्यूस करना। सीड क्यों प्रोड्यूस करना, ताकि उस सीड से क्या बन सके, फ्रूट बन सके। ठीक है, फ्लावर प्रोड्यूस सीड एंड सीड प्रोड्यूस फ्रूट। फ्लावर से सीड प्रोड्यूस होता है और सीड से फ्रूट प्रोड्यूस होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लावर का क्या काम होता है, तो फ्लावर का काम होता है सीड को रिप्रोड्यूस करना, ताकि सीड से एक नया फल बन सके। अब आप लोग तो देखे हो कि हर फल में लगभग बीज होता है, एप्पल में होता है, मैंगो में होता है, ग्वावा में होता है, वाटरमेलन में होता है, हर चीज में सीड्स होते हैं ना, तो इसी सीड्स की मदद से ही क्या बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। ठीक है, सीड से ही एक नया पौधा जन्म लेता है और उस पौधे से ही नया फिर यही प्रोसेस दोबारा होता है, फिर एक फल बनता है। ठीक है, तो ये फ्लावर का काम हो। तो अब बात करते हैं सीड्स की। सीड्स मतलब बीज, आपको बता ही दिया मैंने कि बीज से एक नया पौधा क्या लेता है, जन्म लेता है। देखिए, जब हम बीज को जमीन में बोते हैं, जमीन में बोने तक ही हमारा काम खत्म नहीं हो जाता। जमीन में बोने के बाद उस बीज को प्रॉपर अमाउंट में वाटर देना पड़ता है, सनलाइट की जरूरत होती है, और सॉयल भी प्रॉपर अमाउंट में उसको मिलना चाहिए। हर एक मतलब सॉयल की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है, और सनलाइट की जरूरत होती है। इन सब की मदद से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इन सब की मदद से एक बीज से एक नया पौधा क्या लेता है, जन्म लेता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सीड की। मैंने आप लोग देखा ने, आप लोगों को अभी फ्रूट का काम नहीं बताया। फ्रूट का काम क्या होता है, फ्रूट तो हम लोग खा लेते हैं, उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि फ्रूट सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर बीज पाया कहाँ जाता है, फ्रूट के अंदर होता है ना कि फ्रूट के बाहर होता है, बीज जो होता है वो फ्रूट के अंदर होता है। अगर बाहर रहेगा तो वो बर्ड्स खा जाएंगे, इंसेक्ट्स खा जाएंगे, तरह तरह के, वो उसको हार्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा वो। तो सीड को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, फ्रूट का होता है, फल का होता है। ठीक, तो ये काम हो गया फ्रूट का। तो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने रूट के बारे में जाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, और शूट में डिफरेंट टाइप ऑफ, ये जो पार्ट्स ऑफ शूट थे सभी के बारे में स्टडी कर ली। तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है खत्म, जिसमें हम लोगों ने ये सभी चीजों के बारे में पढ़ा। अब आप लोग इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।